हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश अनुकंपा नियुक्ति के बारे में। बाद में देखिएगा, ये 22 जनवरी 2007 को ये आदेश आया था। इससे पहले बहुत सारे और आदेश आ चुके हैं, जबकि ये आदेश आया है इसके बाद से ये सभी निरस्त माने जाएंगे और ये एप्लीकेबल रहेगा, जो भी आपके सामने बताने वाला हूँ। तो बाद में देखिएगा, इसमें मैं आपको ब्रीफ में बताने वाला हूँ, इन ब्रीफ बताने वाला हूँ कुछ फैक्ट्स के बारे में और जो रिलेवेंट पॉइंट्स रहेंगे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये समझ लीजिए कि अनुकंपा नियुक्ति अगर दी जाएगी तो तभी दी जाएगी अगर किसी शासकीय सेवक की सेवा काल में मृत्यु हो जाती है, सेवक के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके पत्नी अथवा जो पूर्णतः आश्रित हों उनको ये अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। और देखिएगा, पत्नी के बाद सीधा पुत्र को इसकी पात्रता रहती है और अगर अविवाहित बेटी है उसको मिल जाती है, लेकिन अगर बेटी की शादी हो गई देन उसके बाद इसको पात्रता नहीं रहती है। ये तभी पात्रता रहेगी अगर वो बेटी इनके साथ रह रही हो या पूरी तरह से इन पर निर्भर हो और साथ में रह रही हो। तो देखिएगा, फिलहाल अभी हाल में 2022 में जो अभी संगठनों द्वारा मांग किया जा रहा है, तो बोल रहे हैं कि अगर बेटी को आप शादी के बाद उनकी संपत्ति में आधा हिस्सा आप देते हो तो क्यों ना बेटी को, चाहे वो अपने ससुराल में ही रहे, क्यों आप उसे अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये इनइक्वलिटी की भावना को शो करता है और इसके खिलाफ मांग भी चल रही है कि अगर बेटी अपने ससुराल में भी रहे तो जिस तरह से पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है उसी तरह से हक जो रहे वो बेटी का भी रहे। और इनमें से मान लीजिए कि ये नंबर के बाद अगर कोई भी नहीं है, कोई भी पात्र नहीं है, कोई नहीं है, तो जो परिवार की सहमति रहेगी तो किसी को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है जो कि उस परिवार का भरण पोषण कर रहा है। इन केस अगर मान लीजिए कि वो अविवाहित है, कोई बच्चा पत्नी नहीं है, तो उसके जो भाई बहन हैं, और यहाँ पे अविवाहित बहन है तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा मांग उठ रही है, तो ये उनके जो माता पिता रहेंगे उस गवर्नमेंट एम्प्लॉई के, उनके अनुशंसा के आधार पर हो जाएगा कि किसी दिया जाए किसी ना दिया जाए। अब देखिएगा, अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र कौन होगा। इसके लिए पात्र वही होगा जो उस पद के लिए, जिस पद के लिए अनुकंपा दी जा रही है उसके लिए पूरी अर्हता रखता हो। जैसे मान लीजिए सहायक ग्रेड 3 के लिए अभी आप सीपीसी हटने की मांग देख रहे हैं, तो इसमें जो अनुकंपा नियुक्त हो रहे हैं उनके पास वो अर्हता है नहीं, सीपीसीटी है नहीं, इस वजह से उनको कुछ वक्त का टाइम दिया जा रहा है। तो इसीलिए जिस पद के लिए वो अनुकंपा नियुक्त हो रहे हैं तो उनके लिए क्या है ना, उसकी पात्रता होनी जरूरी है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से पद के लिए एप्लीकेबल रहता है। जरूरी नहीं कि सहायक ग्रेड 3 का सहायक ग्रेड 3 पे अनुकंपा नियुक्त दी जाए, बल्कि किसी भी पद के लिए दिया जा सकता है। और बाद में कौन कौन से पद हम आगे देखेंगे। इसके अलावा जिसको अनुकंपा नियुक्ति मिल रही हो तो वो जब जिसकी डेथ हो रही है जिस गवर्नमेंट एम्प्लॉई की सेवा काल के दौरान, तो उसके 7 वर्ष के अंदर ही उसको दावा करना होगा। अगर मान लीजिए कहीं लापता हो गया है जिसको अनुकंपा चाहिए हो तो उसके संबंध में कहीं ना कहीं पुलिस में FIR वगैरह दर्ज होना चाहिए। अब देखिएगा, यहाँ पे अपात्रता की बात है, तो यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे पूरा का पूरा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके देख लीजिए। मैं आपको इन ब्रीफ बता दूं कि अगर मान लीजिए कोई पहले से नौकरी में है, कोई पहले से नौकरी में है और किसी सरकारी उपक्रम में नौकरी कर रहा है तो वो पात्र नहीं होगा। अगर रिटायरमेंट के बाद किसी की डेथ होती है तो अनुकंपा की शर्त ही गायब हो जाती है। और तीसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई पदच्युत हो चुका है, उसको निकाल दिया गया है ऐसा कुछ, तो वो नहीं कर पाएगा। और अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट में लाइक मध्य प्रदेश में ही कोई अगर अप्रेंटिस है और संविदा पे नियुक्त किया गया है तो उसको भी कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा मौका। और बात साफ ऐसी है कि इस डेट के पहले, 1 जनवरी 2007 के पहले जितने भी मामले रहे हैं, वो चाहे जैसे भी मामले रहे हों, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब देखो यार, सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन से पद पर नियुक्ति दी जा सकेगी। अब जिन पदों पे दी जा सकेगी, देखिए ग्रेड ए और ग्रेड बी जॉब में नहीं दी जाएगी, ग्रेड सी एंड डी में दी जाएगी। तो आपके सामने जो देख पा रहे हैं, सहायक ग्रेड 3 है, संविदा शाला शिक्षक है, इसके अलावा और भी हैं लाइक मान लीजिए कुछ एग्जीक्यूटिव पोस्ट लाइक की पटवारी है, पटवारी में भी डायरेक्ट अनुकंपा दी जाती है, बोर्ड बॉय, वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन पंजीयक लिपिक, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जितने भी हैं पद लाइक ड्राइवर, तकनीकी विभाग, और इसके अलावा जो प्यून रहते हैं चपरासी, उस पद के लिए भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। लेकिन आज के दौर का सबसे बड़ा विडंबना क्या है ना, कि सबको सहायक ग्रेड 3 ला के बना दिया जाता है, लिपिक बना दो, और इनके पास CPCT ये लोग पास नहीं कर पाते हैं क्योंकि CPCT लेवल बहुत ज़्यादा टफ है। इनमें से जितने भी आपको अगर अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई टफ रहेगा वो सहायक ग्रेड 3 बनना रहेगा, क्योंकि इसे आसानी से बना दिया जाता है जिस हिसाब से पहले था, लेकिन उसके बाद यही दिक्कत जा रही है कि CPCT हटाने की मांग की जा रही है आज के दौर पे। लेकिन वेतन की बात करें तो सबसे कम वेतन और सबसे जो डिग्रेडेड है, जिसको सबसे ज़्यादा बदनाम किया गया है, वो सहायक ग्रेड 3 है। और देखो, बात ऐसी है कि यहाँ पे जो इसके अलावा भी हैं लाइक पुलिस विभाग है, जेल विभाग है, तो जो आरक्षक वगैरह पद हैं जो निम्नतर स्तर के रहते हैं,
उसमें आपको सीधा अनुकंपनिक दी जा सकेगी। और अगर मान लीजिए कोई भी क्वालिफिकेशन तृतीय श्रेणी का नहीं रखता है, लाइक अगर मान लीजिए आपको ये संविदा शाला शिक्षक बनाया जा रहा है, अगर आपके पास डीएलएड नहीं है तो ये नहीं बनाएंगे, तो इसलिए डीएलएड के बाद ये आपको बना सकते हैं। तो कभी कभार ऐसा मौका दिया जाता है कि आप डीएलएड कर लो भाई, लेकिन हम आपको ये बना देंगे, संविदा शाला शिक्षक बना देंगे। इसी तरह से लाइक कि अगर तृतीय श्रेणी का कोई अगर मान लीजिए अनपढ़ टाइप का है जिसको अनुकंपनिक मिल रही है, वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको सीधा चतुर्थ श्रेणी या फिर सिमिलर टू प्यून बना दिया जाता है। अब देखो यार, जब अनुकंपनिक दी जा रही है ना, तो जो अर्हताएं हैं और जो उसके लिए एलिजिबिलिटी है उसमें आपको छूट दी जा रही है। अब देखिएगा, बात ऐसी है कि किसी को भी, चाहे कोई भी क्वालिफिकेशन रखते हो, कहीं से भी रखते हो, आपको छूट दी जा रही है, आप उस पद के लिए अनुकंपा नियुक्त आपको दिया जाएगा। जो रोजगार कार्यालय में पंजीयन का रहता है, कोई भी अगर फॉर्म भरते हैं, उससे भी छूट रहेगी नहीं है, फिर भी आपको अनुकंपनिक दी जाएगी। लेकिन जो एज लिमिट है, तो मान लीजिए कि आपकी पत्नी 50 की एज की है, 55 की एज की है, तो किसी भी एज के लिए उसको अनुकंपनिक तो दी जाएगी अगर वो लेना चाहती है। लेकिन जो आपका बच्चा है, अगर मान लीजिए अगर कोई भी भर्ती के लिए अगर मान लीजिए 30 साल मैक्सिमम एज है, तो आपका बच्चे को केवल 8 साल की छूट मिलेगी, मतलब 38 साल तक का आपका बच्चा हो तभी उसको अनुकंपनिक मिलेगी। ये 8 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है अनुकंपनिक के मामले में। लेकिन अगर मान लीजिए आपका बच्चा ही खुद 40 क्रॉस है और उस भर्ती के लिए 30 ओनली एज लिमिट है, तो देखिएगा फिर उसे अनुकंपनिक्त नहीं मिलेगी। और यहाँ पे देखिएगा, ये सबसे बड़ी चीज है कि सहायक ग्रेड 3 के लिए अनुकंपनिक्त के मामले में उसे सीपीसीटी आज के दौर पे पास करने का जो समय हो दिया गया है 3+1 4 वर्ष कर दिया गया है, 4 वर्ष दिया जाता है मान लीजिए। लेकिन विडंबना यह है कि जो ये नियम बना रहे हैं उनको पता है सहायक ग्रेड 3 के लिए सीपीसीटी कितना टफ है, ये ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का इसमें क्वेश्चन आता है, फिर भी इस पद का जो पेमेंट है सिमिलर टू ए प्यून है, एक चपरासी के समान इसका वेतन है, और इसी को कहते हैं लिपिक वेतन विसंगत की। हाई क्वालिफाइड होने के बाद भी जिनका आज 3600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे लिस्ट है, उससे ज़्यादा ये कहीं ना कहीं इनका लेवल टफ हो जाता है, और इनको जो पेमेंट मिल रहा होता है वो लाइक एक 5वीं पास 8वीं पास चपरासी के समान रहता है, और यही लिपिक वेतन विसंगति है। अब देखो यार, किसी का अगर बच्चा है, अगर वो मान लीजिए कि बहुत कम एज का है और 7 साल की उम्र तक अगर 18 नहीं होता, मान लीजिए कि 11 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है, और उसको अनुकंपनिक्त फिर बाद में नहीं मिलेगी। इसीलिए जब किसी की सेवा काल के दौरान डेथ होती है, तो उसका जो बच्चे की एज है वो मिनिमम 7 साल बाद वो वयस्क होने लायक रहे, मतलब 18 साल होने लायक रहे। अब देखिएगा, बात ये है कि अनुकंपा में भी आरक्षण का जो प्रावधान रहेगा वो लागू किया जाएगा। अब अनुकंपा की कुछ प्रक्रिया है, तो आप इसे ध्यान दे लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये आपका जो कार्यालय वहाँ पर बता दिया जाएगा। और देखिएगा, जब कभी पद उपलब्ध ना हो, तो ऐसे में जो संविदा शाला शिक्षक है, इन मामलों में अनुकंपा नियुक्ति कभी कभार नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन फिर भी पेंशन जारी रहती है। अब बहुत सारे केस आते हैं कि जो यार मान लीजिए किसी के कुछ बच्चे हैं, किसी एक को बना दिया जाता है कि भाई आप नौकरी कर लो अनुकंपा नियुक्ति के मामले में, और बाद में करता क्या है, बाद में करता ये है कि खुद सारे रुपए ले लेता है और बकाया अपने परिवार का ध्यान ही देता है। तो बाद में अगर ये मामला कहीं आगे गया और संज्ञान में आया, तो भाई उसकी अनुकंपा नियुक्ति और उसकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी, ऐसा प्रावधान रहता है भाई। इसके अलावा जो वचन पत्र है या शपथ पत्र है, तो ये बताएगा अनुकंपा नियुक्ति के टाइम कि वो इस पद के लिए पात्र है। देखिएगा, जो कार्यभारी के आकस्मिक या दैनिक वेतन भोगी हैं, तो जिनको डेली बेजिस पे मान लीजिए सरकार के खजाने से मिलता है उनको, तो उनको कोई भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, बल्कि उनको एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया जाएगा। अन्य बातें हैं, जैसे कि एक बार अनुकंपा नियुक्ति मिल गई, दूसरे पद के लिए आप नहीं जाएंगे, नहीं मिलेगी, और आपके जगह पे किसी और को फिर आपकी जगह पे अनुकंपा नियुक्ति का पे नहीं लाया जाएगा। कुछ और बातें हैं, देखिएगा, अनुकंपा नियुक्ति के मामले में आपसे काफ़ी हमदर्दी रखी जाती है, और शासन ने साफ साफ बोला है कि आपके विभाग आपको अनुकंपा नियुक्ति देने में कोई ढील ढाल नहीं करेगा, जल्दी कर देगा। और देखो यार, जो अनुकंपा नियुक्ति का जो फॉर्मेट रहता है वो कुछ इस टाइप का रहता है, आप एक बार देख लीजिए, ऐसे ही एक नज़र दौड़ा लीजिए। दिन परिस्थिति तो कुछ ऐसा रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही साथ मैं इस बात के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि देखिए, अनुकंपा का मतलब अनुकंपा होता है आप सभी के लिए। आप एक बार अनुकंपा देके उनको ताउम्र कोई भी परीक्षा नहीं लेते हैं, लेकिन जिनको सहायक ग्रेड 3 के तौर पर रखा जाता है उनसे सीपीसीटी कठिनतर एग्जाम पास करने की शर्त रखी जाती है। तो कहीं ना कहीं अनुकंपा के जो एक सहानुभूति है, उस आधार पर अगर आप अनुकंपा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफत में है। इसीलिए सहायक ग्रेड 3 का वेतन कम से कम 2800 ग्रेड पे होना चाहिए आज के दौर में, और जो अनुकंपा नियुक्त कर्मचारी हैं उनके प्रति कुछ हमदर्दी दिखाना चाहिए, उनको इस बात को समझना चाहिए कि सीपीसीटी आसान नहीं है क्रैक करना। बस इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करना चाहेंगे। अपने समय के लिए धन्यवाद।